मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉम्बिंग प्रोसेस का बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले हमने ओमेगा लैब का एक वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद व्यूअर लोग ने मेरे को पूछे हैं कि कॉम्बिंग प्रोसेस का बारे में भी वीडियो बनाइए और मेरे को स्पेशली मतलब पर्सनल इसमें इंस्टाग्राम में पर्सनल व्हाट्सएप में मेरे पास मैसेज आया, तो इसीलिए हम इसको कुंभर का प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कुंभर, ये देखो ये एक LMW एक रिटर्न, ऐसे ही बहुत सारी कंपनी का ट्रेजलर का है, मार्जोली का है, बहुत सारी कंपनी का है। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ ब्रीफली। एक LMW का आता था LE7x4, वो 8 हेड तक रहता था, 4 हेड से एक स्लाइवर और दूसरा 4 हेड से एक स्लाइवर, मतलब दो डिलीवरी इसका रहता था। जैसे अपना ब्रेकर ड्राइंग में दो डिलीवर रहता है ना, उसमें दो डिलीवर रहता था, आटे टाइम दो डिब्बा एक साथ ड्रॉप आता था। उसके बाद जितना देख रहे हो सब सिंगल डिलीवरी कुंभर का क्या है, मतलब एक डिब्बा निकलता है। और रिटर्न में भी ऐसे ही देखो E66, E80, E86, E90 ऐसे डेवलप करता रहता है। तो ये सबसे पहला वाला मॉडल जो है ना बिल्कुल 180 निप्स पर मिनट चलता था, 180-200 तक ज़्यादा तक रहता था, मतलब 160, 180, 150 ऐसे ही रहता था। तो बाद में धीरे 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 ये 250 निप्स पर मिनट तक आया। इसके बाद ये सब आया 400, 450, 600 तक भी आ गया, इसमें भी 600 तक आ गया। तो कुंभर का जो मशीनरी है इतना डेवलपमेंट हो गया, इसको मतलब आज के ज़माने में कोई भी एक्सपोर्ट यूनिट लगाता है जो EOU बोलते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, वो बिना कुंभर में वो प्लांट चलता नहीं। और एक्सपोर्ट का जो मटेरियल होता है ज़्यादातर कोम्ड मटेरियल मांगते हैं, कार्डेट का एक्सपोर्ट बहुत कम जाता है। और कार्डेट का एक्सपोर्ट कहाँ जाता है, बिल्कुल गरीब कंट्री होता है, सस्ता देश होता है, वो कंट्री में जाता है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट हमेशा कोम्ड कंट्री में जाता है। और सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रोवाइड ये स्लाइबर हुआ फाइबर्स पैरेललाइज अरेंज, मतलब कुंभर का मकसद क्या है। जैसे अपना ये कुंभर का स्लाइबर है, इसमें जो भी रेशा रहेगा फाइबर रहेगा ऐसे ऐसे लाइन से रहेगा, जैसे पूरा आड़ा तीड़ा नहीं रहेगा। जैसे कार्डेट का स्लाइबर होता है ना, देखो ये कार्डेट का स्लाइबर है, ये स्लाइबर ऐसे ऐसे रहेगा, कहीं इसका मतलब जात पात नहीं रहेगा, मतलब कहीं पे भी ये स्लाइबर आड़ा टेढ़ा रहेगा। अगर यही चीज अगर कुंभर स्लाइबर होगा कैसे रहेगा, देखो कुंभर स्लाइबर अगर होगा ऐसे ही रहेगा, सब फाइबर ऐसे ही सीधा रहेगा, पूरा ऐसे ही सीधा रहेगा पूरा। और यही अंतर है कुंभर स्लाइबर कार्डेट स्लाइबर में, यही अंतर है। और इसमें शर्ट फाइबर रिमूवल हो जाता है, इसीलिए इसमें धागा भी जो बनता है ना इतना बढ़िया सॉफ्ट रहता है और हेरीनेस भी नहीं रहता, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है, सारी चीज़ अपन को फायदा होता है। कुंभर के जैसे कार्डेट का यान में समझ लो 16 का RPM आता है, तो कुंभ में 18 आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा, ये RPM आ जाएगा, स्ट्रेंथ जो होता है ना सिंगल यान का स्ट्रेंथ ये बढ़ जाता है। और CSP वाइज देखो 200-250 बढ़ जाता है कुंभर यान में। तो कुंभर यान बढ़ाना क्वालिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन जो अच्छा कंपनी है वो करके देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा चीज़ देखो रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर्स फ्रॉम कुंभर स्लाइबर, कुंभर का जो स्लाइबर होता है उसमें शॉर्ट फाइबर रिमूव हो जाता है, शॉर्ट फाइबर रिमूव हो जाता है। शॉर्ट फाइबर जो बताया था आपको देखना, एक बार मेरा ऑफिस वाला वीडियो देखना, उसमें शॉर्ट फाइबर का मैंने डेफिनेशन बताया, जो आधा इंच से कम है फाइबर उसको शॉर्ट फाइबर बोलता है। तो वही शॉर्ट फाइबर इसमें रिमूव हो जाता है। और रिमूवल ऑफ नेप्स एंटेंगल्ड फाइबर्स फ्रॉम कुंभर स्लाइबर, कुंभर स्लाइबर के अंदर जो नेप्स होता है वो भी ज़्यादा तक रिमूव हो जाता है। समझ लो कार्डेट स्लाइबर में आपकी 70 नेप्स आ रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आपको, तो कोम्ड स्लाइबर में 20 से 25 नेप्स रहेगा,
इतना नेप्स पर ग्राम, एक ग्राम का जो स्लाइबर लोगे आप इतना नेप्स रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और वो दिस इज ए गुड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या है, कुंभर का धागा बनाओगे उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। और ये चीज़ देखो, आज पर यार्न प्राइस कीप लॉयल परसेंटेज में भी 8 to 23%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लॉयल का जो परसेंटेज है, लॉयल मतलब सर्टिफाई पर जो रिमूवल होता है उसका परसेंटेज 8 से 23% तक रहता है। जो जब अपन कम परसेंटेज निकाल, जैसे धागा की रेट कोई ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो अपन परसेंटेज कम कर देंगे लॉयल का। और बिल्कुल एक्सपोर्ट लाइक है, सुपर कॉम्ड मटेरियल चाहिए तो 22-23% तक भी निकाल सकते हैं। तो डिसाइड होता है मटेरियल के ऊपर, कौन से मटेरियल अपन बनाने जा रहे हैं कुंभर लॉयल, उसी हिसाब डिसाइड करना। दिस इज ए गुड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, वो बताया था अभी आपको। अच्छा, 90% ऑफ एक्सपोर्टर्स वांट्स कॉम्ड मटेरियल। कुंभर का मटेरियल का विदेश में बहुत उसका डिमांड है, और ज़्यादातर 90% एक्सपोर्ट तो कॉम्ड कैटेगरी का होता है, कार्डेड का सिर्फ 10% होता है। क्लॉथ अपीयरेंस फाउंड वेरी वेरी स्मूथ, गुड लुकिंग एंड कंफर्टेबल। जो जो कुंभर यान से जो क्लॉथ बनता है तो बहुत जो मतलब स्मूथ रहता है और गुड लुकिंग मतलब अपीयरेंस में बहुत अच्छा दिखता है और मुलायम भी रहता है। टू गेट मिनिमम IPI आज शॉर्ट फाइबर नेप्स रिमूव्ड। जो कुंभर का धागे का अपन बात करेंगे, जैसे कि आप मान लो कार्डेड में अपना बना रहे हैं, समझ लो कि 30 काउंट कार्डेड का बना रहे हैं, तो 30 काउंट जो कार्डेड बना रहे हैं उस पर समझ लो IPI आता है 30 kW, इसमें IPI आता है समझ लो 700 IPI, मतलब थिक थिन नेप्स मिला के। और इसमें 30 काउंट का कोम डॉट बनाएंगे, इसमें IPI आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 तक आएगा। तो कितना फर्क हो रहा है, इसमें सर्ट फाइबर भी रिमूव होता है और ये नेप्स भी रिमूव हो जाता है, जिसके कारण अपन TPI भी कम देते हैं इसमें धागा, इसीलिए मुलायम बनता है। TPI कम देने से IPI अपना थोड़ा और कम हो जाता है। तो IPI कम करने का यही एक रास्ता है कि कुंभ स्लाइबर बढ़ाया, IPI आपकी कम आएगा। उसके बाद देखो, मीडियम एंड लॉन्ग स्टेपल कटन जनरली यूज्ड फॉर कुंभर प्रोसेस। कुंभर प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखना, अपना जो फाइबर लेंथ जो होता है कम से कम 24-25 mm से ऊपर होनी चाहिए। शॉर्ट फाइबर कोई 18-19 mm का फाइबर का कॉम्बिंग नहीं कराता, उसमें कोई मकसद नहीं है। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा लॉन्ग फाइबर जो है या मीडियम से ऊपर है, फाइन फाइबर है, वो कॉम्बिंग सेक्शन में जाता है। कीप ओमेगा लैप एंड कुंभर रेशियो 1:5 फॉर स्मूथ फीडिंग। जैसे कि आपने कुंभर और ओमेगा लैप मंगाया, तो कुंभर का जो ओमेगा लैप का रेशियो होता है 5 कुंभर में 1 ओमेगा लैप होना चाहिए। अब कोई कोई कंपनी 6 कुंभर ले लेता है, 1 ओमेगा लैप ले लेता है, तो उसमें क्या होता है, जरा सा कोई ओमेगा लैप में फॉल्ट आ गया तुरंत BSS हो जाता है सारे कुंभर, मतलब लैप स्टक नहीं रहता उसमें। फॉर ए बेटर क्वालिटी ऑफ यार्न, सर्वो लैप या रोबो लैप में भी टेकन। सर्वो लैप मतलब ऑटोमेटिक ओमेगा लैप से लैप लेके पूरा कुंभर का ऊपर लेके देगा, खाली स्पूल लेके आएगा। ये अपना जो एक स्पिन प्लान रिपोर्ट देखना, स्पिन प्लान 1-2 जिसमें मैंने कोम्ड प्रोसेस का बताया, उसमें सर्वो लैप के बारे में बताया गया। और रोबो लैप होता है ऑटोमेटिक, मतलब लैप जो होता है पीसिंग हो जाएगा, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक रहता है। उसमें क्या मैनुअल हैंडल कम रहता है लैप का, इसीलिए इसमें क्वालिटी बढ़िया आता है, क्योंकि कोई टच करने का जरूरत नहीं है। मशीन से निकला, मशीन में लगा, मशीन में चालू हो गया, कोई हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मैंने जो कुंभर का प्रोसेस का प्रोडक्शन कैलकुलेशन वगैरह मेरे जो इंटरव्यू सीरीज में मैं बता चुका हूँ, इसलिए इसको ये वीडियो लंबा करना जरूरत नहीं, वो सब चीज़ दोबारा नहीं बताना, और मैं इसका बेसिक चीज़ बता देता हूँ खाली। देखिए, पैरामीटर क्या क्या सेट करना पड़ेगा, जैसे कोई मटेरियल चेंज किए, कोई क्वालिटी चेंज करना है, कुछ ये करना है, तो क्या क्या चेंज होगा। लिप्स पर मिनट, ये स्पीड चेंज होने के लिए, स्पीड आपको कितना रखना है प्रोग्राम के हिसाब से,
300, 350, 400, 500, 600 जो रखना है आप उसी हिसाब से रखिएगा, और क्वालिटी को नज़र रखते हुए, क्वालिटी ख़राब हो जाएगा ज़्यादा स्पीड रखोगे, और कुंभर में टूट फूट भी ब्रेकडाउन भी हो जाता है ज़्यादा स्पीड रहता है। तो फीड पर निप हो गया, एक निप में कितना फीडिंग होता है, कितना वो फीड पर निप देखो यार, अच्छे ढोल के ऊपर है वो कितना प्रकार का है, तो ये 4.3 से 5.9 तक है। 4.3 जो होता है बिल्कुल पतला ये रहेगा फिर, मतलब कम आएगा मटेरियल, तो नेप रिमूवल अच्छा रहता है। 5.9 होता है तो कोर्स काउंट के लिए मोटा आता है, मतलब ज़्यादा मटेरियल एक निप पाता है, तो ये 5.9 में थोड़ा नेप रिमूवल एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो इसका फिर पर निप जितना कम रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। और ग्राम पर मीटर, एक ग्राम पर मीटर है, कुंभर का नहीं है, ये है ओमेगा लैब का या लैब फर्मर का, कितना ग्राम पर मीटर रखना है वो उसका ड्राफ्ट सेट करके या स्लाइबर आगे पीछे करके कम ज़्यादा करके ग्राम पर मीटर आप कम ज़्यादा कर सकते हो। वो ये मान के चलो ग्राम पर मीटर जितना कम रहेगा उतना बढ़िया क्वालिटी आएगा, उतना अच्छा कुंभिंग होगा। ये देखिए ग्राम पर मीटर जितना कम रहेगा उतना अच्छा क्वालिटी रहेगा। जैसे कि आपके शरीर में, सर पे बहुत ज़्यादा बाल है, कंघी चलाने में दिक्कत जाता है, कंघी का दांत टूटता है वो बढ़िया से कंघी नहीं होता, ऐसे ही जैसे ग्राम पर मीटर ज़्यादा रहेगा तो टॉप कम यूनिकम जब इसको कंघी जैसा खींचेगा, मतलब साफ करने लगेगा तो वो दिक्कत जाता है, अच्छा क्लीनिंग नहीं होता, सर्ट फाइबर रह जाता है उसमें, तो अच्छा नेप रिमूवल नहीं होता। नायल परसेंटेज क्या होता है, अपन 65% कितना निकालेंगे तो वो क्वालिटी का ऊपर है, नायल परसेंटेज कितना निकालेंगे, और नायल परसेंटेज जब निकालेंगे ये 8 हेड का अलग अलग भी निकाल सकते हैं, हेड टू हेड वेरिएशन देखने के लिए, हेड टू हेड वेरिएशन रहेगा तो ज़्यादा मोटा पतला मटेरियल आएगा कुंभर में, वो सेट करना है। नायल इंडेक्स देखो 7 से 11 तक जा सकते हो, और ज़्यादा से 8 से 10 तक अच्छा कंफर्टेबल रहता है, इसमें ज़्यादा टूट फूट हो जाता है, कम 7 से नीचे लोगी 11 से ऊपर लोगी टूट फूट हो जाएगा, तो इसीलिए 7 से 11 तक रहता है नायल इंडेक्स, और नायल परसेंटेज के हिसाब से नायल इंडेक्स रहता है। टॉप कम पेनिट्रेशन ये -1 से +1 तक रहता है, मतलब आपको नायल बढ़ानी है तो पेनिट्रेशन प्लस साइड जाना पड़ेगा, नायल कम करनी है माइनस साइड जाना पड़ेगा। और ड्राफ्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, उसका जो ड्रॉप बॉक्स होता है कुंभर का, ड्रॉप बॉक्स जैसे RSV जैसा रहता है, उसमें 3 बॉटम रोल रहता है, 3 टॉप रोल रहता है, तो इसमें आपको ड्राफ्ट सेट करना है, मतलब मटेरियल मोटा पतला करने के लिए, रैपिंग चेंज करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये खासियत है कुंभर में, अगर आप ड्राफ्ट सेट करोगे उसका फ्रंट रोल का स्पीड चेंज हो जाएगा, मतलब इसमें एक ही मशीन ऐसा है स्पिनिंग लाइन में, जब ड्राफ्ट सेट करोगी बैक रोल का स्पीड चेंज नहीं होगा, फ्रंट रोल का हो जाएगा, इसका एक खासियत है कुंभर मशीन का। उसके बाद टॉप एंड बटम निपर गेज यहाँ पे मैंने लिखा था, निपर गेज बराबर रखोगे तो कुंभिंग बराबर होगा, निपर गेज नहीं रहेगा तो टूट फूट हो जाएगा। वो यूनिकम का जो ये जो कुंभर का जो पार्ट के बारे में मैं बताया तो आपको डिटेल हो जाएगा, ये लैप रोल है जो ओमेगा लैप से है, और ये यूनिकम है जैसे गोलाकार रहता है, साफ्ट के ऊपर रहता है, उसका आधा पोर्शन कांटा कांटा रहता है, मतलब जैसे अपना डफर का वायर, कार्डिंग का वायर रहता है ना, ऐसे कांटा कांटा रहता है। और ये है टॉप कॉम्ब, जैसे कंघी जैसा रहता है, ऐसे टॉप कॉम्ब क्या होता है, ऐसे कंघी जैसा रहता है, ये ऐसे पेनिट्रेट करता है, और जो हाफ कॉम्ब है ऐसे घूम के चला जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो टॉप कॉम्ब जो होता है पेनिट्रेट करता है, तो जो हाफ कॉम्ब इसको ऐसे ऐसे साफ करता है टॉप कॉम्ब से, एक बार और बढ़िया से पैरेलल हो जाता है। उसके बाद डिटैचिंग रोल है, ट्रम्पेट है, वो फीड टेबल है, टेबल का ऊपर 8 स्लाइबर जाता है ऑटो हेड का, यहाँ 3/3 ड्राफ्टिंग सिस्टम है, यहाँ पे मटेरियल क्या करता है, ये मटेरियल इसका ऊपर होके ड्राफ्ट हो जाता है, फिर आपको जो रैपिंग चाहिए उसी हिसाब से रैपिंग रख सकते हो आप, ठीक है, उसी हिसाब से आप रैपिंग रख सकते हो। उसके बाद फिर कैन के अंदर डिलीवरी हो जाता है। उसके बाद देखो ब्रश गेज, ये हो गया ब्रश,
ये जाली वाला ये है, यहाँ पे नॉयल आता है, जहाँ नॉयल रिमूवल हो जाता है यहाँ ड्रम के अंदर आता है, और ड्रम जालीदार रहता है, वो जाली का ऊपर चिपक जाता है, फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर सेक्शन को थ्रू कंपैक्टर में चला जाता है। ये ब्रश से सेटिंग बराबर नहीं रखोगी तो मटेरियल बराबर सेक्शन खींचेगा नहीं, मतलब नॉयल खींचेगा नहीं, फिर आपको दिक्कत जाएगा। उसके बाद ब्रेक ड्राफ्ट, ब्रेक ड्राफ्ट देखो RSB जैसा है इसमें, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रहता है, 1.36 तक रखता है। या और ड्रॉप बॉक्स गेज देखो 42 से 50 तक रखा। ये जो मैंने सेटिंग दिया इसको, ये अपना रेटर E86, E80, E60 ऐसे टाइप का कुम्बर का है, और इसमें आप 42-50 का गेज रखा हुआ, और स्लाइवर लेंथ अपना 29+ स्लाइवर लेंथ, जो फाइबर लेंथ रहता है 29+ का, इसीलिए उसी हिसाब से गेज। वो कुम्बर का मशीन का देखो, ये जो चीज़ है आपको मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया, बाकी सारी ये सब चीज़ चेंज होगा, और इसका और जानकारी चाहिए मेरा जो इंटरव्यू सीरीज़ का वीडियो है उसमें कुम्बर का मशीन का प्रोडक्शन कैलकुलेशन का बारे में बता, और सारी डिटेल में बताया मैंने, गेज वगैरह का, बटन रोल गेज का कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, और मेरे को उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।